माँ स्कंद माता, माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वायन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपणी देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से उठी हुई हैं, उसमें कमल पुष्प हैं। बाईं तरफ की तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जा ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका बण पूर्णता शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त प्रहा क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। यह विशेष बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मस्कंद माता के स्वरूप में पूर्णता तलीन होता है। इस समय ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं में हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है, अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की और विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपवासक अलौकिक तेज कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक ब्रह्मा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह ब्रह्मा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र तिरख कर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है।